हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबका फिर से एक बार अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों का प्रोबेबिलिटी चैप्टर के नेक्स्ट क्वेश्चन बताने वाला हूं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने 1 से लेकर 10 तक के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और उसमें मैंने फुली एक्सप्लेन किया था, अच्छे से प्रोबेबिलिटी को बताया था, जितना मुझसे हो सकता है मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है उसमें। तो आप उस वीडियो को ज़रूर देखें और उसके बाद जब इस वीडियो को आप देखेंगे तो आपको बिल्कुल अच्छे समझ में आएगा। वैसे भी इस वीडियो में आपको 11 से लेकर जितने भी क्वेश्चन बच गए हैं सबका एक्सप्लेनेशन होगा। तो आइए हम 11th क्वेश्चन में देखते हैं क्या कह रहा है। गोपी बायज अ फिश, गोपी बायज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। गोपी अपने एक्वेरियम के लिए एक दुकान से फिश खरीद रहा है। द शॉपकीपर टेक्स आउट वन फिश रैंडम फ्रॉम अ टैंक कंटेनिंग 5 male fish and 8 female fish। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द फिश टेकन आउट इज मेल फिश। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि जो शॉपकीपर जो फिश निकाल रहा है वो मेल फिश होगा। तो उस कंटेनर में देखिए 5 male fish है और 8 female fish है। चलिए देखिए सॉल्यूशन लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि मैंने पहले वाले वीडियो में भी बताया है कि जो भी आपका क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उसमें देखिए टोटल रिजल्ट क्या है, टोटल जो पॉसिबल रिजल्ट है वो पहले हम लिखते हैं। तो इसमें देखिए टोटल फिश कितनी है ना। टोटल फिश इजकल टू 5 male है, ठीक है ना, आप प्लस 8 female है इज इक्वल टू 13 है, ठीक है ना। नंबर ऑफ मेल, चूंकि नंबर ऑफ मेल फिश हमें मेल फिश का निकालना है तो नंबर ऑफ मेल फिश ले लीजिए। नंबर ऑफ जो मेल फिश है वो हमारा 5 है, यानी फेवरेबल रिजल्ट 5 है, टोटल रिजल्ट टोटल आउटकम 13 है, ठीक है ना। सो पी ई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट, P ऑफ मेल फिश क्या हो जाएगा आपका, देखिए 5 ऊपर चला जाएगा। तो इस तरह से सो PE ऑफ मेल फिश इज इक्वल टू हो जाएगा 5/13। तो 5/13 जो है ये आपका आंसर हो जाएगा 11th क्वेश्चन का। चलिए 12th क्वेश्चन देखते हैं। अ गेम ऑफ चांस कंसिस्ट ऑफ द स्पिनिंग एन एरो विच कम्स टू रेस्ट पॉइंटिंग एट वन ऑफ द नंबर्स 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड दीज आर इक्वली लाइकली आउटकम्स। वाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल पॉइंट एट 8 एंड ओड नंबर्स, अ नंबर ग्रेटर देन 2, अ नंबर लेस देन 9, है ना। तो ये चार प्रोबेबिलिटी हमें निकालना है। तो देखिए यहाँ पर स्पिनिंग व्हील दिया गया है, अगर आप इसको मूव करेंगे एक बार स्पिन कर देंगे तो जब ये रुकेगा तो ये जो एरो बीच में लगा हुआ ये किधर पॉइंट करेगा, तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें पूछा गया है। तो किसी न किसी पर पॉइंट करेगा ये, तो इसमें से जो क्वेश्चन पूछा के अकॉर्डिंग हमें फाइंड करना है। तो टोटल जो आपका फेवरेबल रिजल्ट है, टोटल आउटकम्स कितना है सो देखिए। तो टोटल आउटकम पहले लिख लीजिए, टोटल आउटकम्स इजकल टू है 8, क्योंकि 1 से लेकर 8 तक का डिजिट है। और जो आपका फेवरेबल आउटकम है वो कितना है देखिए, फेवरेबल आउटकम्स जो है आपका 1 है, क्योंकि जो 8 डिजिट है वो 1 टाइम्स है, ठीक है ना। सो पीई ऑफ 8, P ऑफ 8 इजकल टू हो जाएगा 1/8, क्योंकि यह एक ही बार है इसलिए 1/8 हो जाएगा। तो इस तरह से यह आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। तो इस तरह से सबसे पहले आपको लिखना है टोटल आउटकम्स, यानी टोटल आउटकम्स और फेवरेबल रिजल्ट। तो फेवरेबल रिजल्ट जब ही लिखेंगे तो ये दोनों से आपका प्रोबेबिलिटी निकल जाएगा। तो देन पी ऑफ गेटिंग 8 इजकल टू हो जाएगा 1/8, ठीक है ना। ओड डिजिट इजकल टू है आपका 1 है, 3 है, 5 है और 7 है। टोटल नंबर हो गया, टोटल फेवरेबल रिजल्ट, बल रिजल्ट, टोटल फेवरेबल रिजल्ट आपका हो गया इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, यानी 4 टाइम्स हो गया। और टोटल आउटकम्स मैंने पहले लिख दिया है 8 है। तो सो पी ई
पी ऑफ एन ओड नंबर। ओड नंबर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4/8। 4/8 ये रिड्यूस हो रहा था, रिड्यूस कर दीजिए, 4 1 जा 4, 4 2 जा 1 आ गया, तो आपका आंसर क्या आ गया, 1/2, ये आपका आंसर आ गया। थर्ड क्वेश्चन देखिए, टोटल आउटकम, टोटल आउटकम हमने पहले लिख दिया 8 है, और नंबर ग्रेटर देन 2, तो नंबर ग्रेटर देन 2 पहले निकाल लीजिए, नंबर ग्रेटर देन 2 इज इक्वल टू हो गया हमारे पास 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, तो टोटल फेवरेबल रिजल्ट आपके पास हो गया, टोटल फेवरेबल रिजल्ट इज इक्वल टू हो गया आपके पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी 6 हो गया। सो पीई ऑफ गेटिंग, पी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 2, 6/8, अब इसे रिड्यूस कर दीजिए, तो 2 3 जा 6, 2 2 4 जा 8 इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/4, ये आपका आंसर हुआ, 3/4 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। अब 12th का 4th क्वेश्चन, हमारे पास टोटल जो आउटकम्स हैं वो 8 हैं। अब देखिए नंबर लेस देन 9, लेस देन 9, तो नंबर लेस देन 9 पहले निकाल दीजिए, नंबर लेस देन 9 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो दैट मीन्स फेवरेबल रिजल्ट आपको निकालना है, तो फेवरेबल रिजल्ट आपका हो गया, फेवरेबल रिजल्ट इज इक्वल टू हो गया आपका टोटल 8। सो पीई इज इक्वल टू हो गया, प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू हो गया आपका फेवरेबल, ऊपर लिखेंगे टोटल आउटकम्स हमारे पास 8 है, इसे रिड्यूस कर दीजिए, तो ये कैंसिल हो जाएगा, 1 1 जा, तो आपके पास क्या बचेगा, 1, तो ये आपका टोटल रिजल्ट आ गया, ठीक है ना। तो इस तरह 12th क्वेश्चन सॉल्व होता है। आइए हम 13th क्वेश्चन देखते हैं। और डाई इज थ्रोन वंस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर, अ नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, और थर्ड क्वेश्चन है एन ओड नंबर। तो एक डाई फेंका जा रहा है, यानी एक पासा फेंका जा रहा है, और उसमें कह रहा है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि पासा फेंकने के बाद उसमें प्राइम नंबर आएगा, या 2 एंड 6 के बीच का नंबर आएगा, या एन ओड नंबर आएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट पर हम पहले चलते हैं, टोटल आउटकम्स क्या होता है जब आप कोई पासा फेंकेंगे, तो उस पर टोटल आउटकम्स क्या होगा, तो टोटल आउटकम्स जो होता है यानी संभाव्य परिणाम क्या होता है, डाई पर हमेशा 1 से लेकर 6 डिजिट होते हैं, तो टोटल आउटकम्स होगा 6। टोटल आउटकम्स क्या होगा, 6 होगा, क्योंकि 1, 2, 3, 4, 5, 6 डिजिट होते हैं, सब एक एक बार होते हैं, तो 6 हो गया टोटल आउटकम्स। और प्राइम नंबर, पहला प्राइम नंबर है, तो और प्राइम नंबर कितने होते हैं, तो प्राइम नंबर पहले लिखिए, और प्राइम नंबर जो प्राइम नंबर है वो कितने हैं, देखिए प्राइम नंबर आपके पास है 2 है 3 है और 5 है, यानी 3 है, तो जो फेवरेबल रिजल्ट हमारा हो गया वो हो गया आपका बल रिजल्ट, वो हो गया आपका 3। सो पीई निकालेंगे, तो पीई यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट हो जाएगा 3/6, फेवरेबल ऊपर आउटकम्स नीचे लिखेंगे, अब ये रिड्यूस होता है तो रिड्यूस कर दे, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, यानी 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1/2, ओके, ये आपका आंसर हुआ। अब देखिए सेकेंड, टोटल आउटकम्स हमारे पास है 6, और देखिए और नंबर लाइंग बिटवीन 2 एंड 6, तो नंबर
और नंबर लाइंग बिटवीन टू एंड सिक्स इज इक्वल टू हो गया आपका 3, 4, 5, है ना। तो यानी फेवरेबल रिजल्ट आपका क्या हो गया, फेवरेबल रिजल्ट वो लिख लीजिए इज इक्वल टू हो गया 3। तो पीई क्या हो जाएगा आपका, पीई इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम्स। टोटल आउटकम्स क्या है, 6। डाई पर हमेशा 6 ही होगा। अब इसे रिड्यूस कर दीजिए, रिड्यूस कर देंगे तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 1/2 मिल जाएगा, 1/2 मिल जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। आइए थर्ड थर्ड क्वेश्चन देखिए। एन ओड नंबर, तो टोटल आउटकम्स आपके पास 6 है, पहले से पता है, ओड नंबर लिख लीजिए। तो ओड, पहले हम ओड निकाल लेते हैं, ओड नंबर इस पर कितने होंगे, देखिए ओड शुरू हो जाते हैं 1 से 3 एंड 5, 1, 3, 5 होंगे ओड्स, यानी टोटल फेवरेबल रिजल्ट। फेवरेबल रिजल्ट जो हमारा होगा वो होगा 3 होगा, कितना होगा 3। तो 3 और टोटल आउटकम 6 है, दैट्स वाई पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 3/6, 3/6 इसे रिड्यूस कर दीजिए, 3 1 जा 3 2 जा 6, फिर इक्वल में क्या आ गया आपका 1/2। तो ये तीसरा रिजल्ट भी फाइंड आउट हो गया। 14th क्वेश्चन देखिए। वन कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग, द जैक, अ फेस कार्ड, अ स्पेड, अ रेड फेस कार्ड, अ द क्वीन ऑफ डायमंड्स, ठीक है ना। ये सारे की प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड आउट करने हैं, ठीक है। तब सबसे पहले आप, मैं इसमें बता दूं कि 52 कार्ड्स में क्या क्या होते हैं। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं थोड़ा कार्ड के बारे में एक्सप्लेन कर देता हूं, तो आप लोग ध्यान से देखिए। जो टोटल कार्ड्स होते हैं वो 52 होते हैं, ठीक है। और इस 52 में, ये 52 होते हैं, इनके चार ग्रुप होते हैं, इनके चार ग्रुप होते हैं, ठीक है ना। तो चार ग्रुप में जो होता है, पहला ग्रुप जो होता है, ये पहले ये ब्लैक ग्रुप हो गया, है ना। एक ब्लैक ग्रुप होता है, दो ग्रुप, और एक होता है रेड ग्रुप, ठीक है ना। रेड में दो पार्ट्स होते हैं और ब्लैक में दो पार्ट्स होते हैं। तो ब्लैक में जो होता है वो होता है स्पेड, ठीक है ना, वो होता है, एक होता है स्पेड और दूसरा होता है क्लब, दूसरा होता है क्लब, ठीक है। या स्पेड को हुक्म कहते हैं हिंदी में, क्लब को चीरी कहते हैं। ये भी 13 होते हैं, ये भी 13 होते हैं। और रेड में होता है डायमंड, रेड कार्ड होता है डायमंड, ठीक है ना, रेड कार्ड होता है डायमंड, रेड कार्ड डायमंड होता है। और एक होता है हार्ट, ठीक है, एक होता है हार्ट। तो इस तरह ये भी 13 होते हैं और ये भी 13 होते हैं, ठीक है ना। पत्ते होते हैं 1 ही होते हैं, है ना। 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये सब पत्ते होते हैं, ठीक है ना, ये सारे पत्ते होते हैं। उसके बाद इसमें जैक आता है, जे फोर जैक, ठीक है। फिर आता है किंग और फिर आता है क्वीन, है ना, क्वीन, ठीक है, ये सारे आते हैं। तो ये सारे पत्ते होते हैं, जिसमें ये जो तीन पत्ते हैं, जैक के क्वीन, ये होते हैं फेस कार्ड, ये होते हैं आपके फेस कार्ड, यानी चित्र वाले पत्ते होते हैं। ये जो तीन होते हैं वो चित्र वाले पत्ते होते हैं, ये चित्र वाले पत्ते होते हैं, जे के क्यू, ये जो तीन है, जैक, किंग और क्वीन, ये फेस वाले पत्ते होते हैं, फेस कार्ड होते हैं। तो 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, 3 इसमें भी होंगे, यानी जैक भी सबका एक एक होगा, क्वीन भी सबका एक एक होगा और किंग भी सबका एक एक होगा, ठीक है ना। और ये जो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये जो पत्ते हो वो भी सबका एक एक होता है। तो टोटल 52 में सब में एक एक आएंगे, समझ गए।
फेस कार्ड जो होता है सबके ग्रुप में अलग अलग थ्री थ्री होते हैं, जैक होते हैं, किंग होते हैं, क्वीन होते हैं। तो इसमें विभिन्न तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको पूछ देंगे व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जैक, तो रेड जैक पूछा जाएगा तो दो हो जाएगा क्योंकि डायमंड और हार्ट जो है रेड होते हैं, दोनों के एक एक होते हैं तो दो जैक आ गया। उसी तरह अगर ब्लैक में पूछ दिया जाए तो इसमें भी दो होगा। अगर किसी नाम से पूछ दिया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी टेकिंग अ कार्ड इज जैक इज अ स्पेड, तो स्पेड के नाम से पूछ दिया जाए तो सिर्फ एक होगा क्योंकि स्पेड ग्रुप एक हो गया है ना। तो इस तरह किसी नाम से पार्टिकुलर किसी नेम से पूछ देगा तो एक ही होगा है ना। असिद फेस कार्ड और ब्लैक कार्ड पूछ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, सिक्स हो जाएगा। फेस कार्ड ऑफ रेड पूछ दिया जाए तो सिक्स हो जाएगा क्योंकि तीन इसमें भी होंगे रेड में डायमंड में, तीन हार्ट में भी होंगे, उसी तरह तीन स्पेड में भी होंगे, तीन क्लब में भी होंगे। तो दैट मीन्स ये याद रखना है कि फेस कार्ड टोटल कितने होते हैं। तो टोटल फेस कार्ड होते हैं 12, यानी तीन तीन सबके होते हैं, तो 4 3 12 हो जाएंगे है ना। और नेम से पूछ दिया जाए जैक, तो जैक जो होगा 4 होगा, क्वीन जो होगा 4 होगा, ठीक है ना, किंग भी 4 होगा, यानी सबका एक एक होता है। तो इस चीज़ को जब याद रखोगे आप तो कार्ड वाला क्वेश्चन कोई भी गलत होगा ही नहीं। तो याद रखे सबके एक एक होते हैं। फेस कार्ड कौन कौन होता है, जैक किंग और क्वीन, जैक किंग और क्वीन, ये जैक किंग और क्वीन है ना, ये होते हैं फेस कार्ड। इसे हिंदी में कहते हैं गुलाम, जैक को गुलाम कहते हैं, किंग को बादशाह कहते हैं या राजा कहते हैं, क्वीन को रानी कहते हैं या बेगम कहते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ये तीनों जो हैं फेस कार्ड होते हैं, बाकी फेस कार्ड नहीं होते हैं। तो हर ग्रुप में तीन तीन फेस कार्ड होंगे। तो जिस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है, अगर रेड पूछा जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, ब्लैक पूछा जा रहा है तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए, या स्पेड नेम से पूछा जा रहा है पार्टिकुलर नेम से, स्पेड क्लब डायमंड हार्ट, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर दीजिए। तो क्वेश्चन बढ़िया से पढ़िए, फिर एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आप ये समझ गए होंगे तो इसे नोट डाउन कर लीजिए, लिख लीजिए आप। अब मैं क्वेश्चन सॉल्व करूँगा। जो टोटल आउटकम है वो कितने हैं, 52 हैं। तो टोटल आउटकम्स पहले लिख दीजिए, टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू 52। अब इसमें से हमारा जो फेवरेबल रिजल्ट है वो क्या है, फेवरेबल रिजल्ट, जो फेवरेबल रिजल्ट है अ किंग ऑफ रेड कलर, तो रेड कलर दो होते हैं डायमंड और हार्ट, तो दोनों के किंग एक एक होंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो पी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी होने का क्या हो जाएगा, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन आउटकम्स, फेवरेबल रिजल्ट अपॉन आउटकम, इसे रिड्यूस कर दीजिए, 2 1 जा 2 2 26 जा इजिकल टू हो जाएगा आपका 1/26, 1/26, ओके। तो इस तरह ये पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व होता है, टोटल आउटकम्स आपको पता है 52 कार से। आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं, 52 कार्ड्स हैं, ये पता ही है। अब चलिए सेकेंड फेस कार्ड निकालते हैं। फेस कार्ड मैंने अभी बताया, और फेस कार्ड किसी का नाम नहीं लिया गया है, ना रेड ब्लैक लिखा गया है, ना स्पेड हार्ट डायमंड या क्लब लिखा गया है, ओनली फेस कार्ड। तो फेस कार्ड टोटल मिलाकर कितने होते हैं, एक ग्रुप में 3 होते हैं, तो 4 ग्रुप में कितने होते हैं, 4 3 12। तो जो फेवरेबल आउटकम है हमारे पास वो कितने हैं, तो फेवरेबल आउटकम देखिए, फेवरेबल आउटकम्स जो है हमारे पास है 12, कितने हैं, 12 हैं। तो पीई क्या हो जाएंगे, पीई इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 12 फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम, टोटल 52 है, इसे रिड्यूस कर दीजिए, तो रिड्यूस कर देंगे तो आपको रिजल्ट मिलेगा 4 3 जा 12, 4 13 जा, यानी आपको रिजल्ट मिल गया 3/13, ये आपका आंसर आ गया 3/13। अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन कह रहा है और रेड फेस कार्ड, और रेड फेस कार्ड, तो रेड फेस कार्ड कितने होंगे, रेड फेस देखिए फेस है, तो रेड सब ग्रुप में तीन तीन होते हैं, रेड का दो ग्रुप होता है, तो दोनों में तीन तीन आएंगे तो यानी 6 हो जाएंगे। तो फेवरेबल रिजल्ट आप लिख दीजिए, फेवरेबल रिजल्ट आपके पास कितना है, 6। 6 क्यों है, क्योंकि डायमंड का भी 3 होगा और हार्ट का भी 3 होगा, तो दोनों मिलकर 6 हो जाएंगे। तो पी क्या हो जाएगा, टोटल आउटकम आपको पता है 52 है, तो 6/52, इसे रिड्यूस कर दीजिए, अगर रिड्यूस हो रहा है तो 2 3 जा 2 26 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया, 3/26, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है।
फोर्थ क्वेश्चन देखिए, फोर्थ क्वेश्चन कर रहा है द जैक ऑफ हार्ट्स। देखिए हार्ट्स नाम पूछ दिया, जैक तो एक ही होगा, मैंने कहा था ना सबका एक एक होगा, तो आपका फेवरेट रिजल्ट यहाँ क्या है, एक, क्योंकि ये जैक नाम से पूछ दिया है, पार्टिकुलर पूछ दिया है ना, ये नहीं पूछा कि रेड का क्या होगा, ब्लैक का क्या होगा, सिर्फ नाम दे दिया हार्ट्स, तो हार्ट्स तो एक ही होगा, सब में एक एक होता है, तो वन आपका फेवरेट रिजल्ट कितना है, वन है, तो पी क्या होगा, पी देखिए पी इक्वल टू हो जाएगा आपका वन, फेवरेबल ऊपर जाएगा और टोटल आउटकम 52 नीचे आएगा, तो ये रिड्यूस नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो गया। फिफ्थ में पूछा जा रहा है और स्पेड, अब देखिए तो और स्पेड, इसमें किसी का इक्की दुक्की या जैक क्वीन ये सब कुछ नहीं पूछा गया है, सीधे स्पेड पूछा गया था, स्पेड कितने होते हैं 13, टोटल 13 13 होते हैं हर ग्रुप के कार्ड्स, तो फेवरेबल रिजल्ट इसमें कितना है 13, क्योंकि एक स्पेड पूछा गया है, तो स्पेड में कुछ भी हो सकता है, फेवरेबल रिजल्ट आपका कितना हो गया, तो फेवरेबल रिजल्ट आपका हो गया 13, तो पी कितना है, पी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 13, टोटल फेवरेबल ऊपर हो जाएगा और टोटल आउटकम नीचे हो जाएगा, देखिए ये रिड्यूस हो रहा है, हाँ हो रहा है, 13 के टेबल से 13 1 जा 13 4 जा, तो कितना रिजल्ट आपको मिल गया, 1/4 मिल गया, ठीक है ना, देखिए कितना आसान है, अपने आप बनता चला जा रहा है, तो इसे नोट कर लीजिए। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, द क्वीन ऑफ डायमंड्स, अब यहाँ देखिए पार्टिकुलर नेम पूछा गया है, डायमंड का क्वीन कितना होगा, एक होगा, सबका एक एक होता है, तो इसलिए आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ध्यान से पढ़िए और आसानी से चुटकियों में आप सवाल को सॉल्व कर देंगे, तो फेवरेबल रिजल्ट कितना है आप बताइए, कितना है, वन, क्योंकि डायमंड का क्वीन एक ही होगा, सब ग्रुप में एक एक ही आएंगे, तो पीई कितना हो जाएगा इसका, अगर प्रोबेबिलिटी निकाला जाए तो क्या हो जाएगा, 1/52, इट इज़ योर आंसर, इस तरह आपके 14th क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, तो प्लीज़ कार्ड वाले कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए तो पहले जो इन्फॉर्मेशन मैंने दिया है उसे ज़रूर लर्न कर लीजिए, उसे समझ लीजिए, तो कार्ड के कोई भी क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे, तो आइए 15th क्वेश्चन देखते हैं। फाइव कार्ड्स द 10 जैक, देखो फाइव कार्ड्स आपके पास है, एक 10 है, एक जैक है, एक क्वीन है, एक किंग है और एक एस है ऑफ डायमंड, और ये सारे डायमंड ग्रुप के हैं, आर वेल सफल, ये सारे को सफल कर दिया जाता है, फेस डाउनवर्ड्स वन कार्ड इज देन पिक्ड एट रैंडम, उसमें से एक कार्ड को निकाला जाता है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बी कार्ड इज द क्वीन, क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि वो क्वीन होगा, और इफ द क्वीन इज ड्रोन एंड पुट साइड, क्वीन को निकाला गया फिर उसे साइड में रख दिया गया, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द सेकेंड कार्ड इज पिक्ड अप इज एन एस और अ क्वीन, है ना, तो उसके बाद जो क्वीन निकालने के बाद हटा दिया गया, तो जो बाकी जो कार्ड्स बचते हैं उसमें से एस होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, क्वीन होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो आइए में हम फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पहले देखिए टोटल आउटकम्स कितना है आपके पास उसे लिखिए, सब क्वेश्चन में यही लिखा हो जाए, टोटल आउटकम्स कितना है, फाइव कार्ड्स, फाइव कार्ड्स शुरू में ही लिख दिया गया है, फाइव कार्ड्स है आपके पास, देखिए सबका एक एक है, 10 भी है, जैक भी है, क्वीन भी है, किंग भी है, एस भी है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में हमें क्या निकालना है, क्वीन निकालना है, तो फेवरेबल रिजल्ट क्या है आपके पास, वन है, क्योंकि जो क्वीन आप निकालते हो उसका नंबर इसमें वन है, वन टाइम्स है, तो पी क्या हो जाएगा, पी इज इक्वल टू हो जाएगा 1/5, ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, इसे नोट डाउन कर लीजिए, देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन जो हमारा है, इफ द क्वीन इज ड्रॉन एंड पुट असाइड, क्वीन को निकाला और उसे अलग कर दिया गया, तो कितना टोटल आउटकम्स बचेगा, अब नया आउटकम्स हो जाएगा इसमें, टोटल आउटकम्स आपके पास अब आ जाएगा 4, क्योंकि क्वीन को अलग रख दिया गया है, तो फर्स्ट ए क्या है, फेवरेबल रिजल्ट देखिए, फेवरेबल रिजल्ट इसमें आपके पास कितना है, एस निकालना, तो ये भी एक है ना, तो पी कितना हो जाएगा इसका, इसका पी आपका हो जाएगा 1/4, यही आपका आंसर हो जाएगा। बी देखिए, बी क्वेश्चन देखिए, जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कितना है, 0, फेवरेबल रिजल्ट क्या है आपके पास, फेवरेबल रिजल्ट आपके पास 0 है, क्योंकि क्वीन को तो हटा दिया गया है ना, तो क्वीन को हटा दिया गया है, तो पी क्या हो जाएगा, क्वीन आने का, और क्वीन, अब क्वीन आने की प्रोबेबिलिटी कुछ होगी नहीं, ये क्या है, इम्पॉसिबल है, 0 है, तो 0/4, दैट मीन्स 0/4 इज
जीरो अपॉन फोर इजक्ल टू हो जाएगा जीरो। तो इसका मतलब पी इजक्ल टू क्या हो गया, जीरो। तब बी का आंसर हो जाएगा आपका जीरो, बिकॉज फेवरेबल रिजल्ट जो है यहाँ पर क्या है, जीरो है। दैट्स वाई पी यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट इजक्ल टू हो जाएगा जीरो अपॉन फोर इजक्ल टू जीरो। ओके, तो इस तरह 15th क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। ये कार्ड से ही रिलेटेड था, तो कार्ड को जल्दी और अच्छे से आप समझ लीजिए ताकि कार्ड का कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो और पेपर में बराबर आता है। तो चलिए अब 16th क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए 16th क्वेश्चन क्या कर रहा है, 12 डिफेक्टिव पेन्स, 12 पेन है डिफेक्टिव है वो भी, आर एक्सीडेंटली मिक्स्ड विद 132 गुड्स वंस। गुड पेन कितने हैं, 132 है, डिफेक्टिव कितने हैं, 12 हैं। इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट लुक एट अ पेन एंड टेल वेदर आर नॉट इट इज़ डिफेक्टिव, ये डिफेक्टिव है या नहीं ये देखकर बताना मुश्किल है। तो वन पेन इज टेकन आउट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट, इस सारे में से एक पेन को निकाला जाता है। तो डिटरमाइन प्रोबेबिलिटी दैट द पेन टेकन आउट इज गुड, तो ये प्रोबेबिलिटी निकालिए कि जो पेन निकाला जाता है वो गुड है ना, वो गुड है। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी आपको निकालना है। तो चलिए सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन में देखिए क्या होता है, आपके पास टोटल आउटकम पहले निकालना है। तो टोटल रिजल्ट कितना है हमारा, देखिए टोटल आउट कम्स, टोटल आउटकम्स कितना है, 12 प्लस 132 इजक्वल टू 144, क्योंकि दोनों मिक्स हो गया है। अब देखिए फेवरेबल क्या है आपके पास, जो फेवरेबल रिजल्ट है वो कितना है, वो देखिए जो फेवरेबल रिजल्ट है, फेवरेबल रिजल्ट कितना है आपके पास, 132 132। और यदि यहीं पर डिफेक्टिव पूछता तो 12 होता, डिफेक्टिव पूछता तो 12 होता। याद रखिए यहाँ पर पूछ दिया है गुड पेन का, लेकिन अगर आपको डिफेक्टिव पेन का पूछा जाए तो क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो ध्यान से क्वेश्चन पढ़ेंगे, ये देखते हैं पी इजक्वल टू क्या होता है, फेवरेबल रिजल्ट कितना है 132, टोटल आउटकम कितना है 144। तो ये देखिए किससे डिवाइड हो जाएगा, 12 11 जा और 12 12 जा, 144 होता है। तो आपका आंसर क्या बचा, 11 अपॉन 12, 11 अपॉन 12 ये आपका आंसर हुआ, ठीक है ना। आइए 17th क्वेश्चन देखते हैं। अ लॉट ऑफ 20 बॉल्स कंटेन फोर डिफेक्टिव वंस, फोर डिफेक्टिव है, टोटल बॉल 20 है। वन बॉल्ब इज ड्रॉन रैंडम फ्रॉम द लॉट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट दिस बॉल्ब इज डिफेक्टिव, अगर इसमें से एक बॉल्ब निकाला जाता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो डिफेक्टिव है। तो चलिए पहले इसे सॉल्व करते हैं, फिर सेकेंड पर चलेंगे। तो टोटल आउटकम कितना है आपके पास, टोटल आउटकम्स देखिए, टोटल आउटकम्स है 20। फेवरेबल आउटकम जो आपको चाहिए रिजल्ट वो आपके पास कितने हैं, फेवरेबल रिजल्ट वो आपके पास हैं, चूंकि डिफेक्टिव निकालना है तो डिफेक्टिव आपका होगा फेवरेबल 4 है। तो पी कितना हो जाएगा, पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 4 अपॉन 20 फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम्स, इसे रिड्यूस कर दीजिए तो आपको मिलेगा 4 1 जा 4 5 जा, दैट मीन्स सॉरी दैट मीन्स आपको मिल गया 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5 1 अपॉन 5, ये रिजल्ट आपका मिल गया, ठीक है ना। इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब सेकेंड देखते हैं, आइए तो सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, सपोज द बॉल ड्रॉन इज नॉट डिफेक्टिव, नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, जो बॉल पहले में निकाला गया था वो डिफेक्टिव नहीं था और उसे रिप्लेस नहीं किया गया, तो अब हमारे पास कितना बचा, तो वो पहले लिख दीजिए। तो टोटल आउटकम्स यहाँ बदल जाएगा क्योंकि जो बेचा गया पेन था वो रिप्लेस नहीं हुआ क्योंकि वो डिफेक्टिव नहीं था। तो टोटल आउटकम्स हमारे पास है, टोटल आउटकम्स हमारे पास है 20 20 माइनस 1 इज इक्वल टू 19, ठीक है, टोटल आउटकम हमारे पास 19 बच गया। अब कहता है जो पेन निकाला जाएगा फ्रॉम द रेस्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, अब क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि बॉल डिफेक्टिव नहीं है। तो गुड पेन कितना है, क्योंकि जो पेन निकला था वो गुड था, तो नंबर ऑफ गुड पेन्स कितना हो जाएगा पता है, नंबर ऑफ गुड पेन इज इक्वल टू, पहले तो हम 20 से -4 कर देंगे क्योंकि 20 में 4 खराब है, फिर उसमें से एक निकल गया था जो अच्छा था, इसलिए वो रिप्लेस नहीं हुआ। तो हमारे पास टोटल कितने बच जाएंगे, 16 -1 इज इक्वल टू 15, 15 हमारे पास अच्छे पेन बच जाएंगे, यानी आपका जो फेवरेबल रिजल्ट होगा
यानी फेवरेबल रिजल्ट, फेवरेबल रिजल्ट हो जाएगा 16 - 1 = 15, ये फेवरेबल रिजल्ट होगा। सो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, PE इज इक्वल टू हो जाएगा 15 फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम 19, तो रेडियस होगा नहीं, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान से देखिए, ये यहाँ कह रहा है, यहाँ कह रहा है कि जो पेन वो निकाला गया था इट्स नॉट डिफेक्टिव एंड नॉट रिप्लेस्ड, वो डिफेक्टिव नहीं था, रिप्लेस नहीं किया गया, तो यानी 20 में से एक कम हो गया, और कौन सा कम हुआ, गुड पेन कम हुआ, ठीक है ना। तो इसीलिए हमारा जो टोटल रिजल्ट है वो बदल जाएगा, टोटल आउटकम्स ऑफ 19 हो जाएंगे। फिर नंबर ऑफ गुड पेन जो 16 था, यानी 20 - 4 था, 20 - 4 था, उसमें 1 और कम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह हमारा फेवरेबल रिजल्ट हो जाएगा 16 - 1 यानी 15। सो PE इज इक्वल टू फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल आउटकम, तो 15 / 19 इट इज आवर आंसर। गाइज 18 क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। चलिए आइए 18th क्वेश्चन पर देखते हैं। 18th क्वेश्चन क्या है, 1 से 19 तक उसमें डिस्क में लिखा गया है, कहता है उस बॉक्स से एक डिस्क निकाला जाता है, तो ये क्या प्रोबेबिलिटी है को जो नंबर निकलेगा वो 2 डिजिट नंबर होगा, या परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा, या नंबर ऑफ डिविजिबल 5, या जो भी नंबर निकलेगा वो 5 से डिविजिबल होगा। तो आइए हम सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, बहुत ईजी है। सबसे पहले जैसे मैंने बताया है, आइए सॉल्यूशन लेते हैं और टोटल आउटकम्स लिखते हैं। सबसे पहले आप टोटल आउटकम्स लिखेंगे, तो टोटल आउटकम्स जो है उसमें डिस्क कितना है 90, और उस पर 1 से 90 तक लिखा गया है, तो टोटल आउटकम्स हमारा 90 होगा, क्योंकि 90 डिस्क उसमें से निकल सकता है, ये पूरा पॉसिबिलिटी है। अब उसमें से फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में फेवरेबल रिजल्ट निकालिए, हमारा फेवरेबल रिजल्ट क्या है, जो आपका फेवरेबल रिजल्ट है वो निकाल लीजिए, वो ढूंढिए। तो फेवरेबल रिजल्ट देखिए 2 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर 10 से स्टार्ट होगा, है ना, यानी 1 से 9 तक 1 डिजिट है, बाकी सारे 2 डिजिट है। तो 90 में से 9 माइनस कर दीजिए, कितना आसान है, 1 से लेकर 9 तक जो होता है 1 डिजिट होता है, तो 1 डिजिट हटा दीजिए, बाकी जो बचेंगे 90 तक वो 2 डिजिट होते हैं। तो 90 - 9 इजकल टू हो जाएगा 81। तो दैट मीन्स आपका PE इजकल टू क्या होगा, PE इजकल टू हो जाएगा 81/90। आप देखिए ये आसानी से रिड्यूस हो जाएगा, 9 9 जा और 9 10 जा, तो आपका रिजल्ट कितना मिल गया, 9/10, ये आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो चलिए नोट डाउन कर लीजिए, आइए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड कह रहा है परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो टोटल आउटकम हमारे पास 90 है, मैंने लिख दिया था, अब परफेक्ट स्क्वायर नंबर निकाल दीजिए। परफेक्ट स्क्वायर नंबर इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, अब 1 से 9 तक का स्क्वायर कर दीजिए, तो 1 स्क्वायर 1 ही होगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, 3 स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 4 स्क्वायर 16 हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, और 9 का हो जाएगा 81। अब 10 का करेंगे तो 100 हो जाएगा, तो 190 से ग्रेटर हो जाएगा, क्योंकि 90 तक ही लाना है हमें। तो इसे देखिए काउंट कर लीजिए कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऑब्वियसली हमने 1 से 9 तक का स्क्वायर किया है, तो 9 डिजिट होंगे। तो आपका फेवरेबल रिजल्ट कितना हुआ, फेवरेबल जो रिजल्ट आया वो आपका हुआ रिजल्ट, वो आपका हुआ 9, ठीक है। सो PE कितना होगा आपका, PE, सो PE इज इक्वल टू हो जाएगा आपका 9/90। आप देखिए रेड्यूस होगा, हाँ रेड्यूस हो जाएगा, रेड्यूस होगा, 9 1 जा और 9 10 जा, तो आपका रिजल्ट क्या आ गया, आपका रिजल्ट आ गया 1/10। तो इस तरह आपका रिजल्ट मिल गया 1/10, ओके। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखिए, कहता है नंबर डिविजिबल बाय 5, तो नंबर डिविजिबल बाय 5 निकाल लीजिए, नंबर डिविजिबल बाय 5 थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या कर रहा है, और नंबर डिविजिबल बाय 5, तो 1 से 90 तक में कौन कौन 5 से डिविजिबल है वो निकाल लेते हैं। तो नंबर ऑफ डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू हो गया 5 1 जा 5, 5 का टेबल लिख दीजिए, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35,
8 जा 40, 5 9 जा 45, 5 11 जा 55, 5 12 जा 60 हो जाएगा, 5 13 जा 65 हो जाएगा, 5 14 जा 70 हो जाएगा, 5 15 जा 75 हो जाएगा, 5 16 जा 80 हो जाएगा, 17 जा 85 हो जाएगा और 18 जा 90 हो जाएगा। यानी आप तो यहाँ फेवरेबल रिजल्ट कितना हो गया आपका, फेवरेबल रिजल्ट जो है वो आपका हो गया 18, ठीक है ना। टोटल आउटकम्स कितना है वो लिख देता हूँ यहाँ पर, टोटल आउटकम्स इसे पहले भी लिख दिया था, तो टोटल आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स आपका है 90, ठीक है ना। सो पीई कितना हो जाएगा आपका, पीई इज इक्वल टू होगा 18/19। अब इसे रिड्यूस कर दीजिए, तो रिड्यूस कर देंगे तो 18 1 जा 18 5 जा कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर हो गया 1/5, 1/5 ये आंसर हो गया। तो इस तरह 18th क्वेश्चन आपके सॉल्व होते हैं। आइए 19th क्वेश्चन देखते हैं। अ चाइल्ड हैज़ अ डाई हूज सिक्स फेसेस शो द लेटर्स गिवन बिलो। उस डाई पर ए लिखा हुआ है, बी लिखा हुआ है, सी डी ई लिखा हुआ है और ए लिखा हुआ है, और हमें फाइंड करना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए एंड डी। ए आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, डी आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, हमें बताना है, ठीक है ना। तो चलिए हम सॉल्व करते हैं 19th को। पहला क्वेश्चन, टोटल आउटकम्स पहले लिख देते हैं। टोटल आउटकम्स कितना है, टोटल आउटकम्स है आपके पास 6, कितना है 6 है, तो 6 लिख दीजिए। फेवरेबल यानी ए कितने एक बार है, तो फेवरेबल रिजल्ट पहले निकाल लेते हैं। फेवरेबल जो रिजल्ट है आपका वो है 2, कितना है 2 है। सो पी ई क्या हो जाएगा आपका, आपको पता है फेवरेबल ऊपर जाएगा और 6 नीचे आ जाएगा, इसे रिड्यूस कर दीजिए, तो 2 1 जा 2 3 जा यानी आपका जो रिजल्ट आएगा वो आ गया 1/3, ठीक है ना। दूसरे क्वेश्चन देखिए, टोटल आउटकम्स का भी 6 ही होगा और फेवरेबल रिजल्ट कितना है 1 है ना। फेवरेबल रिजल्ट 1 है, ठीक। तो पी ई कितना हो जाएगा इसका, पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा 1/6। तो इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। तो 19 क्वेश्चन सॉल्व होता है। चलिए हम 20th क्वेश्चन पर यानी 20 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आइए 20 क्वेश्चन में देखिए। सपोज यू ड्रॉप और डाई रैंडम ऑन द रेक्टेंगुलर रीजन शोन इन द फिगर। फिगर में दिखाया गया, देखिए ये फिगर है। द प्रोबेबिलिटी दैट इट विल लैंड इनसाइड द सर्कल विद द डायमीटर 1 मीटर। डायमीटर इसका 1 मीटर है, ठीक। तो एक रेक्टेंगल पीस है, उसमें एक सर्कल बना हुआ है, कहता है एक डाई आप फेंकोगे तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि इस सर्कल के अंदर वो डाई गिरेगा। इस जो सर्कल है इसकी डायमीटर जो है, इसकी पूरी डायमीटर 1 मीटर दे रखा है और इसका रेक्टेंगल का लेंथ और ब्रेथ हमारे पास है। तो सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए आपको चाहिए रेक्टेंगल का एरिया और एरिया ऑफ सर्कल चाहिए, ठीक है ना। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन लीजिए, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकाल लीजिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, एल इंटू बी होता है। तो एल इंटू बी बराबर क्या होगा, 3 × 2 इजकल टू हो गया 6 m², ठीक है ना। एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल क्या हो गया आपका, π r², ठीक है ना। तो अगर पाई को आप पाई ही रख दें तो r आपका हो जाएगा 1/2, क्योंकि डायमीटर आपका 1/2 दे रखा है। तो आपका रिजल्ट आ जाएगा π/4, ठीक है। चलिए तो आप पी ई निकाल लेते हैं, तो पी ई इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल रिजल्ट π/4/6 इजकल टू हो जाएगा π/4 × 1/6। 1/6 इजिकल टू हो जाएगा पाई हो जाएगा और 6 × 4 = 24 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर होगा। 144 बॉल पेन का एक लॉट है जिसमें 20 आर डिफेक्टिव, 20 खराब पेन है, बाकी गुड पेन है ना। कोई अगर पेन खरीदना चाहता है तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगा कि इट इज़ गुड बट विल नॉट बाय इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव।
कोई भी पेन खरीदता है तो जो अच्छा होगा वही खरीदेगा, जो डिफेक्टिव होगा वो नहीं खरीदेगा। तो द शॉपकीपर ड्रॉज वन पेन एट रैंडम एंड गिव्स इट, शॉपकीपर जो एक पेन निकाला और दिया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सी विल बाई इट सी विल नॉट बाई इट, कोई उसे खरीदेगी, वह उसे खरीदेगी या वो उसे नहीं खरीदेगी? अगर वो खरीदेगी दैट मीन्स गुड पेन का निकालना है, वो नहीं खरीदेगी दैट मीन्स डिफेक्टिव का निकालना है, ठीक है ना। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, टोटल आउटकम देखते हैं। टोटल आउटकम्स जो है, टोटल आउटकम्स हमारे पास है 144। गुड पेन कितना है हमारे पास? गुड पेन है हमारे पास 144 माइनस 20, डिफेक्टिव माइनस कर दीजिए 124 डिफेक्ट, तो इसलिए पीई यानी सी विल बाय इट। पीई कितना होगा? पीई इज इक्वल टू होगा 124 अपॉन 144, इसे रिड्यूस कर दीजिए। तो जब इसे रिड्यूस करेंगे तो कितने जा कटेगा देखिए, फोर से देख लीजिए, 4 3 जा 12, 4 1 जा, और 4 3 जा 12 और 2 बच गया, 2 24 गया, 4 6 जा 24, यानी आपका जो आंसर आ गया वो खरीद लेगी वो आएगा 31/36, ठीक है ना। 31/36 प्रोबेबिलिटी है कि वो खरीद लेगी, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। आइए सेकेंड क्वेश्चन पर आते हैं, आइए सेकेंड क्वेश्चन आते हैं। टोटल आउटकम्स हमारा है 144 है ना, तो सी विल नॉट बाई इट, तो डिफेक्टिव का निकालना है। तो फेवरेबल रिजल्ट क्या है हमारे पास? जो फेवरेबल रिजल्ट है वो है आपके पास 20, जो नहीं खरीदेगी। तो पी नहीं खरीदने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पी इज इक्वल टू होगा फेवरेबल अपॉन टोटल आउटकम। आइए इसे रिड्यूस कर दीजिए, 4 5 जा 20 और 4 3 जा 4 6 जा, तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी कि वो नहीं खरीदेगी 5/36, 5/36, ओके। तो 5/36 प्रोबेबिलिटी है कि वो नहीं खरीदेगी। इस तरह आपका 21st क्वेश्चन सॉल्व होता है। बस एक ही रूल है, टोटल आउटकम्स निकालना है, फेवरेबल आउटकम्स आपको ढूंढना है, और पीई इज इक्वल टू हो जाएगा फेवरेबल रिजल्ट अपॉन में आउटकम्स। बस इसे रिड्यूस कर दीजिए अगर हो रहा है तो, नहीं तो ऐसे ही छोड़ दीजिए फ्रैक्शन में, ठीक है। चलिए हम 22nd पर चलते, आइए 22nd क्वेश्चन पर चलते हैं। रेफर टू एग्जाम्पल 13, कंप्लीट द फ्लोइंग टेबल्स, है ना, इस टेबल को कंप्लीट करना है आपको। इसके लिए आपको थोड़ा बुक की सहायता लेना पड़ेगा, बुक में जो टेबल दे रखा है एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल 13 एग्जाम्पल को देखिए, 2 डाइस फेंका जा रहा है और उसका एक टेबल बना के दिया गया है, तो उस टेबल के अकॉर्डिंग आपको इसको फिल करना है। तो इवेंट सम ऑन 2 डाइस, सम ऑन 2 डाइस, तो सम ऑन 2 डाइस करेंगे तो देखिए 3 का सम, ऐसे 2 नंबर जिसको प्लस करने पर 3 आ जाए, तो 3 आ जाए तो कितना होगा? 2+1 3 होगा, 1+2 3 होगा, तो यानी 2 रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ आ जाएगा आपका, यहाँ आ जाएगा आपका 2/36, ठीक है। अब देखिए फोर फोर के बारे में कहता है, 4 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? तो 2+2 4 होगा, 3+1 4 होगा, है ना, 3+1 3 बार आ जाएगा, तो 3/36 हो जाएगा। यानी उस टेबल में आप देखते जाइए क्या करा है, इवेंट सम ऑन 2 डाई, मैंने दोनों डाई पर आने के बाद जो प्लस करेंगे तो वो सम आना चाहिए, जैसे 3 आना चाहिए, 4 आना चाहिए, अब 5 आना चाहिए, तो उसमें देखिए क्या आएगा, 5 4+1 5 आएगा, 3+2 5 आएगा, 3+2 5 आएगा, 4+1, यानी 1 2 3 4 रिजल्ट आएंगे। 8 का तो दे रखा है 9, 9 देखिए कितने बार प्लस करने पर आएगा, 6 3+9, 4+5 9, 5+4 9, 6+3 9, तो 1 2 3 4, 4 रिजल्ट होंगे इसके, तो 4/36 हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 का देखिए तो 6+4 10 होगा, 5+5 10 होगा, 6+4 10 होगा, तो 1 2 3 रिजल्ट आएंगे इसके, तो 3/36। अब 11 का देखिए तो 2 आएगा, 6+5 5+6 है ना, 6+5, तो ये 2 रिजल्ट होंगे, तो 2/36 होगा, ठीक है ना, 2/36। तो इस तरह से इसका ये जो टेबल है आपका पूरा होता है। इसके लिए आपको 13th एग्जाम्पल का
थोड़ा बुक का सहायता लेना पड़ेगा, तो बुक के सहायता से आप इसे आसानी से सॉल्व कर देंगे। उस टेबल में जाकर आप इसे सम को ढूंढ सकते हैं। तो इस तरह 20 का जो पहला क्वेश्चन था वो कंप्लीट हो गया। अब सेकेंड क्वेश्चन देखिए कहता है, अ स्टूडेंट आर्गूज दैट थिएटर 11 पॉसिबल आउटकम्स 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 है एंड 12। देयर फॉर ईच ऑफ देम हैज़ अ प्रोबेबिलिटी 1/11। डू यू एग्री विद द आर्गूमेंट? कहता है टोटल रिजल्ट 12 है, तो क्या सबका जो प्रोबेबिलिटी है 1/1 होगा? तो इसमें नहीं होगा, क्योंकि ये लाइकली नहीं है। द 11 सम्स आर नॉट इक्वली लाइकली, है ना, इक्वली नहीं है, इसलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। क्योंकि देखिए यहीं पर रिजल्ट देखिए क्या हुआ है, 1/36 है, 2/36 है, ठीक है ना, 3/36 है। तो टोटल रिजल्ट कितना आ रहा है इसका? 36 रिजल्ट है ना। और अगर आप किसी भी का निकालेंगे, 1 पॉसिबल 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या निकलेगा? 2 आने का प्रोबेबिलिटी 1 है, 3 का 2 है, 4 का 3 है, 5 का 4 है, 6 आने का 5 है, 7 आने का 6 है फेवरेबल रिजल्ट, 8 का 5 है, 9 का 4 है, 10 का 3 है, 11 का 2 है, 12 का 1 है। दैट मीन्स सब का जो रिजल्ट है फेवरेबल रिजल्ट वो लाइकली नहीं है, सब डिफरेंट है। तो इस तरह से हम इसे फाइंड आउट जो करेंगे तो सबका 1/11 नहीं आएगा। तो आप लिख देंगे नो, है ना, द फेवरेबल रिजल्ट रिजल्ट इज नॉट लाइकली, नॉट सेम भी लिख सकते हैं, नॉट सेम ऑफ ऑल। आइए 23 क्वेश्चन देखते हैं। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग 1 रुपी क्वाइन 3 टाइम्स एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनी विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, 3 हेड्स 3 टेल्स एंड लॉसेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनी विल लॉस द गेम। लॉस होने की प्रोबेबिलिटी निकालना है। कहता है तीन, एक सिक्के को 3 बार उछाला जाता है, अगर सिक्के में 3ों बार टेल्स आ जाता है या हेड आ जाता है तो जीत जाता है। अगर तीनों हेड नहीं आते हैं, मतलब एक रिजल्ट भी अलग अलग हो जाता है, जैसे 2 हेड आता है या 1 टेल आता है, तो लॉस हो जाता है, वो हार जाएगा गेम। तो चलिए हम देखते हैं इसे कैसे सॉल्व करते हैं। तो पहले हमें टोटल आउटकम निकालना पड़ेगा। तो सॉल्यूशन, टोटल पॉसिबल रिजल्ट, टोटल पॉसिबल रिजल्ट आपका होगा, देखिए 3ों को उछाला गया, तो मान लीजिए 3ों हेड आ सकता है, या सपोज दैट 2 बार हेड आया और 1 बार टेल आ गया, ठीक है ना। ऐसा भी हो सकता है कि 2 बार हेड आ गया, 3रा बार टेल आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार हेड आया, फिर टेल आ गया, फिर हेड आ गया। ऐसा भी हो सकता है कि 1 बार हेड आ गया, बाकी 2 बार टेल आ गया, ये भी पॉसिबल है। ऐसा भी हो सकता है कि पहले बार टेल आ गया, फिर 2ों बार हेड आ गया, है ना। फिर ये भी हो सकता है कि 1 बार टेल आया, फिर हेड आया, फिर टेल आया, ठीक है ना। फिर ये भी हो सकता है कि 2 बार टेल आ गया और 1 हेड आ गया, और क्या बच गया रिजल्ट, 3ों में टेल भी आ सकता है, 3ों बार टेल भी आ सकता है। तो इस तरह ये सारे रिजल्ट पॉसिबल है, 3ों बार में टेल भी आ सकता है ना। तो इस तरह देखिए आपका टोटल रिजल्ट कितना होता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ये 8 रिजल्ट हुआ। तो इसका मतलब है कि फेवरेबल रिजल्ट आपका कितना हुआ, फेवरेबल रिजल्ट आपका। तो यहाँ पर देखिए अगर 3ों बार टेल्स आ जाता है या 3ों बार हेड आ जाता है तो वो जीत जाता है, यानी 2 रिजल्ट ऐसा है जिसमें वो लॉस नहीं करेगा। तो इन 2 रिजल्ट को 8 से माइनस कर देंगे तो 6 आएगा, यानी 6 टाइम्स ऐसा है जिसमें वो लॉस कर लेगा। तो फेवरेबल जो रिजल्ट है वो कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 6। तो PE इक्वल टू क्या हो जाएगा, सो PE इक्वल टू हो जाएगा अपॉन 4, 3/4 आपका रिजल्ट मिल जाएगा। 24th क्वेश्चन देखिए क्या रहा, और डाई इज थ्रोन ट्वाइस, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल नॉट कम अप आदर टाइम। कभी भी 5 नहीं आएगा, और 5 विल कम अप एट लीस्ट वंस, एक बार 5 आएगा। ये आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, टोटल रिजल्ट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए हम टेबल बनाते हैं, ठीक है। और 1,1 आ जाएगा, 2, 1,2 आ जाएगा, 1,3 आ जाएगा, 1,4 आ जाएगा, 1,5 आ जाएगा, 1,6 आ जाएगा, ठीक है ना।
ये इसका रिजल्ट हो जाएगा। अब उसी तरह यहाँ इस तरह आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा, ठीक है। इस रिजल्ट को 24th को सॉल्व करने के लिए आपको इस तरह का एक टेबल बनाना पड़ेगा और उसके अकॉर्डिंग आप सॉल्व करते हैं। तो डाई वाला कभी भी सवाल आए तो इस तरह आप टेबल बना लीजिए। तो इसका टोटल रिजल्ट कितना होता है, जो टोटल आउटकम होता है, देखिए टोटल आउटकम इसका होता है, टोटल आउटकम इसका होता है 36। याद रखिए 36, क्योंकि एक का 6 होता है और 6 टाइम्स है, 1 2 3 4 5 6, 6 टाइम है, तो दैट मीन्स 6 6 जा 36, टोटल रिजल्ट कितना हुआ 36, ठीक है ना। 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, 5 नहीं आएगा। तो 5 कितने बार आया है, तो 5 के सामने देख लीजिए, जो 5 के सामने जो है ना, जो 5 के सामने है उसको काउंट कर लीजिए, इस वाले कॉलम को काउंट कर लीजिए, ठीक। और इस कॉलम में होंगे ये, दूसरा इस 5 वाले कॉलम में होंगे, है ना। ये दोनों जो कॉलम होंगे इसमें 5 आ रहे हैं, है ना, और इसमें भी 5 आ रहे हैं। अगर इन दोनों को प्लस कर दी जाए तो इनके अलावा किसी में भी 5 नहीं आएगा, इसके अलावा किसी में भी 5 नहीं आएगा। तो इसमें चलिए यहाँ पर हम आंसर दे देते हैं, 5 विल नॉट कम अप आइदर टाइम, तो 5 नहीं आएगा, तो 11 टाइम से शायद जिसमें 5 आ रहा है, है ना। तो F बराबर आपका हो जाएगा टोटल 36 में से 36 माइनस 11 कर दीजिए, कितना आएगा 25। तो PE इक्वल टू क्या हो गया, तो पहले का आंसर आपका आ गया PE इक्वल टू 25/36, इसे नोट डाउन कर लीजिए। आइए दूसरा क्वेश्चन देखिए, इसमें भी फेवरेबल एफ इजकल टू क्या है आपके पास, एफ इजकल टू आपके पास है, कहता है कि 5 विल कम अप एट लीस्ट, कम से कम एक बार आना चाहिए, इस कॉलम में एक बार आएगा या इस कॉलम में एक बार आएगा, ठीक है ना, इस कॉलम में एक बार आएगा। तो आपने अभी देखा कि ये दोनों मिलकर 11 है, क्योंकि 5.5 दो बार दोनों में उपस्थित है तो एक ही बार काउंट करेंगे, तो 11, तो एफ इजकल टू है 11, तो पी इजकल टू क्या होगा, पी इजकल टू हो जाएगा फेवरेबल यानी 11/टोटल यानी 36। तो ये आपका आंसर हुआ। तो गाइज मैंने 24th क्वेश्चन तक सॉल्व करके आपको बताया है, और आपसे आग्रह करता हूँ कि अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है, आपको समझ में आया है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, ताकि आपके पास सारे नोटिफिकेशन पहुँच जाए। मैं रोज़ वीडियो डालता हूँ, तो आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को क्लिक कर लेंगे, तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचता जाएगा और आराम से आप पढ़ सकते हैं, घर पे तैयारी कर सकते हैं, ट्यूशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।